एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल सिरसा से रोडवेज बस का अपहरण हुआ है। रोडवेज बस का अपहरण, देखिए सवारियों से भरी हुई बस का अपहरण, ये बहुत बड़ा मामला सिरसा से सामने आया है। सवारियों से भरी हुई थी बस और तीन लोगों ने बस का अपहरण किया। देखिए काफी हैरान और परेशान कर देने वाला मामला ये सिरसा जिले से सामने आया है, जहां पर तीन लोगों ने मिलकर रोडवेज बस का अपहरण किया और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। तो सवारियों से भरी हुई बस का अपहरण हुआ है सिरसा जिले में। ये खबर जो है काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली भी है और काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली भी है, क्योंकि यात्रियों से भरी हुई थी बस, सवारियां थी बस में मौजूद, लेकिन उसके बावजूद तीन लोगों ने मिलकर बस का अपहरण किया। लेकिन क्या पूरा मामला है, आखिर कहां पर हुआ और क्या मंशा थी, क्या तफ्तीश अब की गई है इस पूरे मसले पर, ये तमाम अहम सवाल यहां पर बने हुए हैं, जिनका जवाब हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट मिल पा रहा है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं, सिरसा से पूरा मामला, जहां पर तीन लोगों ने मिलकर रोडवेज बस का अपहरण किया है और ये बस सवारियों से भरी हुई थी, इस वक्त का बेहद बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा मामला सामने आया है जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि कैसे एक रोडवेज बस जो कि सवारियों से भरी हुई थी उस बस का अपहरण हो गया और तीन लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी और कैसे यात्रियों से भरी हुई बस का अपहरण हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है, जिसका जवाब हम जानने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं सिरसा जिले का ये मामला, जहां पर रोडवेज बस का अपहरण किया गया और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी, तीन लोगों ने मिलकर इस बस का अपहरण किया है, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो पूरी क्षमता के साथ जो है चलना शुरू हो जाएंगी और पूरी क्षमता के साथ अब यात्री बैठकर बसों में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये बड़ा अपडेट मिल पा रहा है जो कि रोडवेज बस से जुड़ा है, सिरसा जिले से काफी हैरान परेशान कर देने वाला मामला। आपको बता दें कि तीन लोगों ने मिलकर रोडवेज बस का अपहरण कर लिया और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल सिरसा जिले का मामला, ये भाई साहब तीन करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, दो महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मसीह। हाँ भाई कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू, महेंद्रगढ़ का है ये किसके कहने पे, किसके कहने पे ले गया है तू, रोड पे चला गया, कौन सा था यो, तू कहाँ का है, बनी का, कैसे ले आये तुम, बस अगवा करके ले आये उसको है। अरे तू कहाँ का है, महेंद्रगढ़ का, किससे पूछ के ले गया था बस है, इसने ये अफसर लाग रहे। ये भाई साहब तीन करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, दो महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मसीह। तो देखिए दिन दहाड़े गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा जिले से, जहां पर रोडवेज बस का अपहरण हुआ और ये आवाज आपने सुनी किस तरीके से यहां पर धमकाया, डराया, पूछताछ की जा रही है, इनसे पूछा जा रहा है। तीन लोग यहां पर नजर आ रहे हैं आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इनसे पूछा जा रहा है कि ये बस यहां पर कौन लेकर आया, सवारियों से भरी हुई है बस और इन तस्वीरों में देखिए सवारियां आपको साफ तौर पर बस में देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं सवारियों से भरी हुई बस है, लेकिन यहां पर इनसे पूछा जा रहा है कि ये बस यहाँ पर कौन लेकर आया, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग। और तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाँ भाई कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू, महेंद्रगढ़ का है ये किसके कहने पे, किसके कहने पे ले गया है तू, रोड पे चला गया, कौन सा था यो, तू कहाँ का है, बनी का, कैसे ले आये तुम, बस अगवा करके ले आये उसको है। अरे तू कहाँ का है, महेंद्रगढ़ का, किससे पूछ के ले गया था बस है, इसने ये अफसर लाग रहे। ये भाई साहब तीन करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, दो महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मसीह। हाँ भाई
कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू? महेंद्रगढ़ का है। ये किसके कहने पे, किसके कहने पे लेके आया तू? रोड पे चला गया, कौन सा था यो? तू कहाँ का है रे? बनेगा कैसे ले आये तुम? बस अगवा करके ले आये उसको है? अरे तू कहाँ का है रे? हाँ भाई, कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू? महेंद्रगढ़ का है। ये किसके कहने पे, किसके कहने पे लेके आया तू? रोड पे चला गया, कौन सा था यो? तू कहाँ का है रे? बनेगा कैसे ले आये तुम? बस अगवा करके ले आये उसको है? अरे तू कहाँ का है रे? महेंद्रगढ़ का? किससे पूछ के ले गया था बस? है इसने ये ऑफिसर लाग रहे? ये भाई साहब तीन करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, दो महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मशीन। हाँ भाई, कहाँ का तू भाई, कहाँ का है तू? महेंद्रगढ़ का है। ये किसके कहने पे, किसके कहने पे लेके आया तू? रोड पे चला गया, कौन सा था यो? तू कहाँ का है? बनेगा कैसे ले आये तुम? बस अगवा करके ले आये उसको है? अरे तू कहाँ का है? महेंद्रगढ़ का? किससे पूछ के ले गया था बस? है इसने ये ऑफिसर लाग रहे? ये भाई साहब तीन करिंदे हैं, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, एक ये करिंदा है, ठीक है। ये कोई महेंद्रगढ़ का है, एक बनी का बता रहे हैं, दो महेंद्रगढ़ के हैं। ये हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड से मशीन। तो बस अपहरण मामले से जुड़ा जो बड़ा अपडेट मिल पा रहा है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। सिरसा से आपको बता दें कि अपहरण करने वाले गिरफ्तार भी हो गए हैं। देखिए बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा, अपहरण करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं और ये बड़ा अपडेट इस मामले में मिल पा रहा है। दरअसल एक बस का अपहरण हो जाना, रोडवेज बस का जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, अपने आप में काफी अजीब मामला है। लेकिन तीन युवकों ने मिलकर अपहरण किया था और ये आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बस में 25 से 30 सवारी मौजूद थी। देखिए 25 से 30 सवारियों के बीच रोडवेज बस का अपहरण हो जाना चौंकाने वाला मामला, लेकिन बड़ा अपडेट मिल पा रहा है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने अपहरण किया था वो गिरफ्तार हो चुके हैं।